आपका क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो आपका इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट देखो क्या दिया है इसने, 2304। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड आल्सो। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने फ्रॉम बैक साइड। तो पेयर देखो कैसे हैं आपके, एक ये हो गया, सेकेंड इज दिस, और 4489 का भी आपका ऐसी बनाना है, दिस एंड दिस 44। अब क्या करना है, तो देखो आपको एक बॉक्स बनाना है लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 23 लिखा है इधर, 23 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो 23 से पहले 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 4 का। तो आपको क्या करना है, 4 यहां पर लिखना है और 4 यहां पर लिखना है, तो यहां पर हो जाएगा 16। माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो 13 माइनस 6 इज 7, और यहां पर है 04। एक साथ दोनों को उतारना है 04 को। अब यहां पर देखो 4 हमने लास्ट में लिखा था, उतना ही आपको ऐड करना है, प्लस 4। तो ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 4 इज 8। अब क्या करना है आपको, यहां पर एक वैल्यू डालनी है, तो यहां पर भी एक सेम वैल्यू आनी चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर लास्ट में 4 है, तो किसका स्क्वायर इज 4? एक तो होता है 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, और एक होता है 8 का स्क्वायर, दैट इज 4। तो अब आपको सेलेक्ट करना है, या तो 2 होगा या 8 होगा। तो अगर आप यहां पर 2 लिखते हैं तो 2 इंटू 8 इज 16। देखो 70 के पास में नहीं है, वो 16 है, 70 माइनस 16 तो बहुत वैल्यू हो जाएगी, तो आपको 8 डालना है। तो यहां पर हम 8 डालेंगे तो यहां पर भी 8 आ जाएगा, तो 8 8 जा 64, 6 कैरी। तो अगेन 8 8 जा 64 प्लस 6 इज 70, तो ये हो गया आपका 70। तो आपका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 48। इस तरह से आपको करना है इसको भी सेम। तो हमने एक बॉक्स बनाया यहां पर, अब देखो 44, फर्स्ट इज 44, 44 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 6 6 जा 36, तो 6 आएगा, तो यहां पर 6 आ गया, तो यहां पर भी 6, ये हो गया 36। माइनस करो तो क्या आ गया आपका, देखो 8, 89 को एक साथ नीचे को उतार दो, तो अभी 6 हमने लिखा था, 6 को ही ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 12। अब आपको क्या करना है, एक वैल्यू डालनी है जो यहां पर भी सेम और यहां पर भी सेम, ठीक है। अब देखो लास्ट में यहां पर है 9, किसका स्क्वायर 9 होता है, एक होता है 3 का, 3 का स्क्वायर इज 9, एक होता है 7 का स्क्वायर इज 49, तो 7 का स्क्वायर इज 49, तो उसका भी लास्ट में 9 होता है। अब आपको सेलेक्ट करना है 3 डालना है या 7 डालना है। अगर आप 3 डालेंगे तो 3 1 3 होगा इधर, तो 8 माइनस 3 इज 5, तो बहुत डिफरेंस है, तो वी विल पुट 7। तो देखो 7 डाल के देखते हैं, तो देखो क्या आ रहा है आपका, इधर 7 है, इधर 7 है, 7 7 जा 49,
फोर कैरी, सेवन टू ज 14 प्लस 4 इज 18, वन कैरी, सेवन वन ज 7 प्लस 1 इज 8, सेम आ गया, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया 67। तो इस तरह से आपको इसको करना है।